नहीं। तो क्या समझते हैं कि हम लोगों ने इसमें किस चीज को या किस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, और पहले आपने क्या चीजों को डिस्कस किया था? सर, पहले हमने टेक्निक्स पढ़ी थी कि हम किस तरह टेक्निक्स को यूज करके हम अपने सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, किस किस स्टेप से वेरिफिकेशन होती है, फिर उसकी वैलिडेशन, फिर सारे प्रोसेस। हाँ जी अदील, आपको आवाज आ रही है हमारी? अदील है, आदिल है, आसिफ है, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलें, अगर आवाज आ रही जी है तो सर, आ रही है जवाब आवाज। दीजिए। ठीक है, शाबाश। कुछ थोड़ा सा बताएं, आप भी, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 पढ़ा था, तो आपने क्या समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है ये क्यों जरूरी है? सर पहले हमने इसमें टेक्निक्स वगैरह पढ़ी थी और कुछ लाज वगैरह थे वो हमने पढ़े थे। टेक्निक्स ही लाइक टॉप डाउन वगैरह। अब ये है कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में हम उनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में हम उसको, आप ये समझते हैं कि टेक्निक्स को फॉलो किया जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के सब्जेक्ट में भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल हैंडलिंग में लेके चलना है कि हम लोग इसमें जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। लाइक आप ये समझ लें, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की नज़र से हम लोगों ने अपने बिजनेस को जो है ना, जब कैसे एक्सटेंड करना है ना, हमने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बोर्ड भी शेयर कर दूंगा आपके साथ ना, व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोग जो है वो थोड़ा सा काम कर लेंगे, ताकि मुझे ना आदत है चीज़ों को लिख के करने की। मैं आपको वैसे वर्बली इसलिए समझा नहीं पा रहा, लेकिन सिर्फ अभी कंसेप्ट दूंगा, और मंडे से इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास में जो है ना आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं कोशिश करूंगा बोर्ड की सेटिंग भी मैं कर लूँ इसके साथ मर्ज ना, ताकि मुझे बोर्ड पे काम करना भी आसान हो। खैर, ये जो है हमारे पास आ जाता है, आप ये समझें कि आप यहाँ तक डिग्री पढ़ने के बाद ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन गए हुए हैं, आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पता चल गया हुआ है, और ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे तरीके से इसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो आप ये समझें कि हम लोग जो हैं वो इन फ्यूचर अपना वेयर हाउस अब खोलने लगे हैं। पीछे आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनसे आपने टूल्स को सीखा है। मैंने क्लास में बताया था, हर बच्चा डेवलपर नहीं हो सकता, हर बच्चा जो है वो क्या कहते हैं, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर, स्किल के ऊपर जो है ना अपनी ग्रिप नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनको पढ़ें तो आप पूरी एक फील्ड जो है ना अपने लिए कंप्यूटर साइंस की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसको जनरेट कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अपना करियर, फ्यूचर और स्कोप जो है ना वो सेट सेट कर सकते हैं आप लोग उसके अंदर। ठीक है, अब वो कैसे सेट होगा और वो क्या स्कोप होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर शायद आपकी नज़र से कभी गुजरी हो पोस्ट वगैरह, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस से आपका ताल्लुक हो, या आपकी वहां से जो है वो आपकी नज़र से गुजरा हो, फील्ड आती है हमेशा हमारे पास आती है, कभी नाम सुना है प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायर्ड है जी, हमें हमें किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एक प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायर्ड है, कभी ये नाम सर सुना है? अच्छा, जो बोल सकता है वो बोले, जो टाइप कर सकता है वो टाइप करके कम अज कम जो है ना वो रिस्पॉन्ड किया करे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही जो है ना वो कंप्यूटर की स्क्रीन जी पे बात सर, भी कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ठीक है, इसकी पोस्ट आती है। अच्छा, नंबर 2, कभी आपने सुना है कि नाम आया हो कि जी हमें रिक्वायरमेंट एनालिस्ट चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट एनालिस्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसके अंदर उसके ऊपर उसकी हायरिंग होती है और वो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी जो पोस्ट है ना रिक्वायरमेंट एनालिस्ट वाली, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हवाले से जो आती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट आती है, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट की पोस्ट आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिसोर्स प्लानर की पोस्ट आती है, रिसोर्सेज को प्लान करने वाला कौन है भाई? ये मैं बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात कर रहा हूँ कि रिसोर्स प्लानर चाहिए जी हमें। ठीक है, तो ये सारी जो पोस्ट है ना, कभी सोचा है कि ये कौन लोग होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? एग्जैक्टली, बेसिकली ये लोग जो है ये वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 के अंदर ही अपना फिर आगे एमफिल भी करते हैं। कभी सुना नाम कि मैंने एमफिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, एमफिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, फिर मैंने जो है वो
जी सॉरी, मैं अच्छा बात कर रहा था, ये जो पोस्ट आती है ना हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिस्ट की, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, और ये इस हवाले से ये सारी आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। अगर आप सुने कि जी एमफिल जो है वो कंप्यूटर साइंस में हुआ हुआ है, ठीक है, एमफिल आईटी में हुआ हुआ है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक स्कोप है, लेकिन कुछ होते हैं एमफिल लाइक एमफिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, हमारे इधर वैसे इसका स्कोप कम है, हमारे तो ये रटलाइजेशन वाला सिस्टम है, और हम सिर्फ रटे की जो है ना वो सारी अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, और ना हमने अपना करिकुलम आज तक कभी अपडेट किया है। तो मैं इस चीज के वैसे ही जो है ना वो थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि अभी भी हम पुराना वो ही दोबारा से निज़ाम पढ़ रहे हैं, वाटरफॉल मॉडल पढ़ रहे हैं और वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं अभी तक, जबकि हम लोग का करिकुलम कितना जो है वो अपडेटेड हो गया, एडवांस हो गया हुआ है। ठीक है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की टेक्निक्स जो आपने पढ़ी है ये अब रही नहीं है, ये चेंज हो गई है। कौन सी चेंज हुई है ये, अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन का सब्जेक्ट पढ़ते तो आपको उसमें आइडिया हो जाता। लेकिन खैर, अभी भी होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाके पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि एमफिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी होता है कोई चीज़। अच्छा, आपको पता चलेगा कि एमफिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, आपको पता चलेगा एमफिल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस भी कोई चीज़ होती है। तो ये सारी वो डिग्रीज हैं जिनको करने के बाद, जो मैं नई पोस्ट के नाम ले रहा हूँ, ये 10-12-15 ऐसी पोस्टें हैं जो कंप्यूटर साइंस वाला बंदा ही इनको हैंडल कर सकता है, लेकिन बेशक उसको डेवलपमेंट वगैरह नहीं आती तो वो अपने इन सब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर ये काम कर सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद एलेबरेट करूंगा कि कैसे पूरी चेन ऑफ कमांड जो है वो वर्किंग करती है, और उसके अंदर जो है हमारे पास किस तरीके से पूरी टीम जो है हम लोग कहाँ कहाँ पर फिट हो सकते हैं अपने आप को। मैं हमेशा कहता हूँ कि होपलेस नहीं होते हमारी CSIT की फील्ड के अंदर, ये इतनी वास्ट फील्ड है कि ये कहाँ कहाँ पर फिट हो सकती है, हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें। सर जो डेवऑप्स की फील्ड है वो भी इसी में आती है? किस चीज की फील्ड? डेवऑप्स की, जो डेवलपमेंट ऑपरेशंस होते हैं सर। हाँ जी हाँ जी, डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं ना पूरे, डेवऑप्स इंजीनियरिंग की आ जाती है फील्ड। डेवऑप्स वो भी सर इसी की मतलब ब्रांच है आगे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, डेवऑप्स जो होते हैं ना ये काम करते हैं टूल्स और मेथोडोलॉजीज के ऊपर, थ्रू आउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हवाले से ना ये काम करते हैं मेथोडोलॉजीज के ऊपर और टूल्स के ऊपर। ये डेवऑप्स जो होते हैं ना ये कॉम्बिनेशन होता है कि डेवलपमेंट टीम भी होती है इसके अंदर, डेवऑप्स है ना ये कॉम्बो है, कॉम्बो वर्ड है, इसके अंदर डेवलपमेंट टीम भी हमारे पास शामिल होती है, जिसके अंदर हमारे पास टेक्निकल टूल्स के स्किल्स वाले जो बंदे होते हैं PHP के, जावा के, और हर किसी एक लैंग्वेजेस के, एक टीम ये होती है। और ऑप्स से मुराद ये होता है कि IT के ऑपरेशंस को जो टीम मैनेज करती है, इसके अंदर आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट सारा आ जाता है। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग वाला सारा डिपार्टमेंट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये डेवऑप्स की जो टीम है ये वो होती है। इसमें एट सम एक्सटेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि उनको मिलाकर ही जो ऑपरेशंस वाली टीम है ना वो काम करती है। तो ठीक है, गुड एग्जांपल है ये, अगर आपको डेवऑप्स का आइडिया है, मैंने इसको डिस्कस करना था अपनी क्लासेस में आगे जाके। ये बेसिकली अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, रिसोर्सेज से मुराद ये कि उनके पास क्या चीज मौजूद है, उनके पास कौन कौन से लोग मौजूद हैं, उनके पास कौन सा क्लाउड सर्वर है, उनके पास कौन से मैनेजमेंट ऑपरेशनल टूल्स और स्किल्स हैं, उनको मैनेज करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीम से जो है ना वो डेवलपमेंट करवाना। हमारे यहाँ पे फेलियर की सबसे बड़ी जो रीजन होती है डेवलपर हाउसेज की या सॉफ्टवेयर हाउसेज की, फेलियर की सबसे बड़ी जो रीजन होती है वो ये होती है कि हम लोग विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्रोजेक्ट मैनेजर, विदाउट एनी रिसोर्स प्लानर, हम लोग किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर लेते हैं, और उसकी वजह से इन द एंड अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि हम लोग सक्सेसफुली अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के गोल को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही चीजें इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस में आगे साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कैसे करना है। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी ये पुरानी आउटडेटेड आउटलाइन है ना, मैं इससे हट के भी कुछ 20-30% पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस की बेस पर, और जो रीसेंट जो है हमने न्यू लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनकी बेसिस पर मैं कुछ चीजें भी आपके साथ साथ डिस्कस करता रहूं, जिसका आपको फ्यूचर में किसी वेयर हाउस में बैठे हुए फायदा भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारा ये अब ऑनलाइन का जो डिजिटल का सफर है ये अच्छा गुजरेगा, इंशाल्लाह देखते हैं। अभी इसमें भी कुछ इश्यूज हैं, अपना माइक म्यूट कीजिए। आवाज आ रही है, इसको इंशाल्लाह देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ इश्यूज हैं, इसमें क्या कहते हैं जूम पर भी, जूम की भी 40 मिनट का सेशन होता है, तो मैं देखता हूँ कि अगर तो ये कामयाबी से हम लोग लेकर चल सके तो ठीक है, अदरवाइज हम वूव पे मूव कर जाएंगे। VOOV टूल है, आप वो भी इंस्टॉल करके रखिएगा, मैं देखूंगा कि अगर मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला ना तो हम उसके ऊपर अपनी क्लासेस को शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी, मोहसिन और इफ्रा
यहाँ अभी जो 19 बच्चे बैठे हैं इनकी अटेंडेंस लगा के तस्वीर बनाई मुझे, मैंने इनके नाम पढ़ लिए वैसे, और ये ग्रुप में मुझे शेयर कर दें जो हमारा पर्सनल क्लास का ग्रुप बना हुआ है। पर क्लास में ना लगा दिया करें अटेंडेंस। हाँ जी, ग्रुप में अटेंडेंस लगा दिया करें। ग्रुप में लग जाएगी सर, ग्रुप में लग जाएगी। नेक्स्ट टाइम से शीट मैंने बना ली है, यहीं पर बैठे बैठे जब आप वन बाय वन आपकी अटेंडेंस हो जाए करेगी। अभी फिलहाल आज की क्लास के लिए जो है वो आपको सीआर जो है ना मोहसिन या इफ्रा, आप दोनों में से जो भी बंदा है वो इसको लगा के तो मुझे तस्वीर बना के ग्रुप में सेंड कर दे जो हमारी क्लास का ग्रुप है। ठीक है जी? जी जी, ओके सर। चले इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है 11 बजे। मैं टाइम टेबल आपका जो है वो उसी ग्रुप में, कंबाइंड जो सीयर्स का ग्रुप है उसमें मैं सेंड करने लगा।